नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे कर्मचारी क्वार्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने लगातार आप लोगों के लिए, चाहे वो ग्रुप डी का आप लोगों का कवरेज हो, चाहे आप लोगों का एलबी का कवरेज हो, सबका ज्वाइनिंग का कवरेज किया था। और जब ग्रुप डी के कर्मचारियों का ज्वाइनिंग हुआ था, एक आपको भी पता है, जब एक कोई नया छात्र होता है, जब उसका एक नए शहर में ज्वाइनिंग होती है, तो वहाँ पर एक नए छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है रूम वगैरह खोजना। तो हर छात्र चाह रहा था कि उसको क्वार्टर मिल जाए, लेकिन जैसे कि रेलवे का हमेशा से कहना होता था कि क्वार्टर अभी खाली नहीं है, खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आकर आपको पता चल जाएगा आखिर क्यों नहीं मिलता नई भर्ती छात्रों को क्वार्टर रेलवे में धांधली। वो जो क्वार्टर कहा जाता था कि खाली नहीं है, वो क्यों नहीं खाली होता था, वो आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी जानकारी होगी वो आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ। ये सामने आपके सामने एक न्यूज़ है फ्रेंड, इसको मैं आपके लिए जूम करता हूँ। जिसको मैं जूम करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है सो कि आपका दैनिक भास्कर झारखंड राज्य धनबाद एडिशन में आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, धनबाद बुधवार 30 अक्टूबर पेज नंबर 3 पर आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वार्टरों पर है अवैध कब्जा, रेल कर्मी का बेटा वसूल रहा भाड़ा, पाथाडीह स्टेशन और यार्ड का ज़्यादा जायजा लेने पहुंचे DRM, अतिक्रमण पर जताई नाराजगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब 1000 से ज़्यादा क्वार्टर पे जो है सो कि अवैध कब्जा, और रेलकर्मी का बेटा, छोड़िए रेलकर्मी तो आपको ही पता है, रेलकर्मी तो बहुत सारे रेलकर्मी अपने क्वार्टर में रहते नहीं और भाड़ा वसूलते हैं, रेलकर्मी का बेटा जो है सो कि भाड़ा वसूल रहा है। चलिए पूरा न्यूज़ देखते हैं। लोको बाजार ट्रैफिक कॉलोनी मोहन बाजार में रहने वाले ने बताया हर माह 1000 से 1800 तक दे रहे किराया। ओके, पाथाडीह रेलवे स्टेशन के पास लोको बाजार ट्रैफिक कॉलोनी मोहन बाजार आदि में बने रेलवे के क्वार्टरों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। उनमें से कई क्वार्टरों को एक रेलकर्मी के बेटे ने ही भाड़े पर लगा रखा है और हर महीने लोगों से 1000 से 1800 रुपये तक किराया वसूल रहा है। यह जानकारी DRM अनिल कुमार मिश्रा से की तो वे हैरत में पड़ गए। वे मंगलवार को पाथाडीह स्टेशन यार्ड और कॉलोनियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां किसी ने उनसे शिकायत की थी कि करीब 1200 क्वार्टरों में से 1000 से ज़्यादा पर अवैध कब्जा है। मौके पर पहुंचने पर कुछ क्वार्टरों में रहने वाले ने बताया कि तो वहां किराए पर रह रहे हैं। उन्होंने दो लोगों के नाम भी बताया जो किराया वसूलते हैं। इस पर DRM भड़क गए। मुकेश सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, ये बहुत सारा नाम है, संदीप नायक आदि से उन्होंने कहा कि वे छठ पूजा के बाद क्वार्टर खाली कर दें, वरना FIR दर्ज कर जबरन हटा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जल्द सभी क्वार्टरों से अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया। बाद में रेल पुलिस ने DRM के निर्देश दो कब्जाधारियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की। देख सकते हैं दो कब्जाधारी थे, उसके खिलाफ जो रेल पुलिस था उसने जो है कि रिपोर्ट भी दर्ज किया है। तो ये आपका प्रधान घंटा लिंक स्टेशन के पास 4.1 करोड़ से बनेगा अंडरपास, सांसद ने किया शिलान्यास। तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, मेन जो आपको बताना था तो वो जो है सो कि मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है सो कि फ्रंट रेलवे में मतलब कि धांधली होती है, और जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको समझना चाहिए कि आखिर वो जो कर्मचारी मतलब कि ये कब्जा करके रखे हैं, वो किराया वसूल रहे हैं, तो उन्हीं के कोई साथी है, उन्हीं के कोई भाई है जिसको क्वार्टर नहीं मिल पा रहा होगा। इसका मतलब वो रेलवे के अपने कर्मचारी को ही अपना भाई अपना साथी नहीं मानते। यदि वो साथी मानते तो डेफिनेटली जब उनका रिटायरमेंट होता उनको क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था। ओके, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताइएगा। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो, जानकारी मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।